नमस्कार दोस्तों, अपना मेडिकल टिप्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं मेलोसा क्रीम के बारे में कि इस क्रीम से गोरा कैसे बने, कब और कैसे लगाएं। तो पूरी जानकारी समझने के लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहे ताकि समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस क्रीम की पैकिंग की बात करें तो 15 ग्राम की पैकिंग आती है और इसका MRP 122 रुपया है। अब जानते हैं इनका उपयोग किन किन रोगों में किया जाता है। अगर चेहरे पर दाने हो, कील मुहासे हो या फिर चेहरे पर दाग धब्बे हो, चेहरे पर झाइयाँ बन गई हो, आँखें के नीचे काले रंग के घेरे बन गई हो या फिर चेहरे पर सांवलापन हो, इसे ख़त्म करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। या फिर प्रेगनेंसी के बाद बने दाग स्ट्रैच को भी रिमूव करता है। तो ये क्रीम चेहरे के सांवलापन दाग धब्बे को हटाकर चेहरे को सुंदर, चमकदार, बेदाग, मुलायम बनाता है। इसमें जो हाइड्रोक्विनोन है वो स्किन से मेलामाइन को हटा देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन या चेहरा फेयर होने शुरू हो जाती है। और मोमेथासोन का काम है स्किन को रेडनेस होने से बचाना या चेहरे पर पिंपल के सूजन को हटाना। और ट्रिटिनियन का काम है पिंपल के लिए, ये पिंपल को ठीक करता है। तो दोस्तों, मेलोजा क्रीम का उपयोग सिर्फ रात में करें, दिन में न लगाएं। जब मेलोजा क्रीम को लगाएं तो सबसे पहले अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें, उसके बाद सुखा लें, फिर क्रीम को अपने उंगली के सहारे धीरे धीरे मिलाएं। 10 दिन में आपके चेहरे पर की सारी प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। चेहरे के मार्क्स, दाग धब्बे, डार्क सर्कल, आँखों की किनारे काले घेरे को हटाकर चेहरे को सुंदर एवं चमकदार बना देगा। और एक बात है कि इस क्रीम को लगाकर धूप में न निकले, धूप से बचें, क्योंकि साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है कि रेडनेस चेहरा हो जाएगा, खुजली होने लगेगी चेहरे पर, पिंपल्स निकलने लगेगा। इसीलिए इस क्रीम को लगाकर धूप में न निकले, सिर्फ रात में प्रयोग करें। और वीडियो के आखिर में बताना चाहेंगे कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।